हनुमान, महाराज केसरी देवी अंजना को मुखाग्नि देने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना दूंगा। हे अर्धनारीश्वर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी दोनों माताओं की इच्छा पूर्ति करें। आपकी ऐसी अद्भुत लीला देखकर मेरा मन हो रहा है कि मैं आपके संपूर्ण जीवन यात्रा से परिचित हूं और आपकी वो संपूर्ण महागाथा मुझे केवल महादेव सुना सकते हैं। हे महादेव, जब संसार में हनुमान जी की लीला घट रही थी उस समय मैं घोर तपस्या में लीन था। मैं उनकी लीला का साक्षी नहीं बन पाया था, इसलिए मैं आपके मुख से श्री हनुमान जी की महागाथा सुनना चाहता हूँ। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनी बहु विधि सब संता। हरि और हरि के भक्तों की गाथा जितनी बार सुनी और कही जाए उतना ही सुख और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आज मैं आपको हनुमान की यह महागाथा अवश्य सुनाऊंगा। सौभाग्य है संसार का, जिस हनुमान जी के कर्मों से सृष्टि कायम है उनकी महागाथा स्वयं महादेव के मुख से सुनने का परम सुख। मुझे अति शीघ्र ही कैलाश पहुंचना होगा। ऋषिवर, सभी अमंगलों को हरने वाले, संसार में सदैव मंगल करने वाले हनुमान जी की लीला इतनी मधुर, सुंदर और भक्ति भाव से भरी हुई है कि उनकी इस लीला को सुंदरकांड की लीला के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम बार महादेव ने ये कथा माता पार्वती को सुनाई थी, परंतु आज संपूर्ण संसार के पास सुअवसर है महावीर हनुमान की ये महागाथा सुनने का। शीघ्र अतिशीघ्र हम सबको कैलाश की ओर प्रस्थान करना चाहिए। हाँ गुरुदेव। सुनो सुनो संसार के जीवों, साक्षात महादेव हनुमान जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। जो भी इस भक्ति के सागर में डुबकी लगाएगा मनोवांछित फल पाएगा। युगों युगों में ऐसी घटना घटती है, जो भी हनुमान जी की इस पावन कथा को सुनेगा उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे। महादेव, हनुमान जी का नाम मात्र लेने से सारा संसार भक्तिमय हो उठा है और सुर नर गंधर्व किन्नर और संसार के सभी प्राणी हनुमान जी की महागाथा सुनने के लिए कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यही तो हनुमान जी की महिमा है, उनके हृदय में श्री राम जी बसते हैं और उनकी इस भक्ति से संपूर्ण सृष्टि जुड़ती है। भक्तों, जैसे कि आज आप हनुमान जी की यह महागाथा सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वैसे ही जन्म काल से हनुमान जी को भी प्रतीक्षा थी। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी को महाराज सुग्रीव। क्या हुआ महाराज सुग्रीव को? उनके प्राण संकट में है, महाराज पाली उनके प्राण ले लेंगे। हनुमान जी मेरी रक्षा करें।
पंपा सरोवर के किनारे बैठे वह हर घड़ी हर क्षण एक ही नाम जपते रहते थे, श्री राम 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 श्री राम 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 प्रभु श्री राम आज भी नहीं आए। बाल्यकाल से मैं केवल उन्हीं की राह देख रहा हूं। ना जाने कब मेरे हृदय की चाह पूर्ण होगी, ना जाने कब मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। हे सूर्यदेव, आप तो संपूर्ण संसार को देखते हैं, आप ही बताइए ना, अरे प्रभु श्री राम कब मुझ पर कृपा करेंगे, कब इस भक्त का अपने भगवान से मिलन होगा। जय गुरुदेव। हनुमान, जिस घड़ी की तुम्हें प्रतीक्षा है वो शुभ घड़ी बहुत शीघ्र ही आने वाली है, परंतु उससे पूर्व तुम्हें कुछ अधूरे कार्य पूर्ण करने होंगे। गुरुदेव, रामकाज करने के लिए तो मैं कब से आतुर हूं, बताइए मुझे क्या करना होगा। हनुमान, बस ये समझ लो कि ये धर्म कार्य जो आने वाले समय में प्रभु श्री राम की यात्रा के आधार बनेंगे और उन्हें पूर्ण करते हुए ही तुम्हारा श्री राम से मिलन होगा। गुरुदेव ने कहा है कि प्रभु श्री राम के साथ मेरा मिलन अवश्य होगा। परंतु उसके लिए मुझे कौन से धर्म कार्य करने होंगे, ये तो गुरुदेव ने बताया ही नहीं। गुरुदेव, हनुमान जी को महाराज सुग्रीव। महाराज सुग्रीव, क्या हुआ महाराज सुग्रीव को? उनके प्राण संकट में है, महाराज बाली उनके प्राण ले लेंगे। महाराज बाली, बाली की तो मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु और मेरी, जो अपने शत्रु का आधा बल खींच ले उस बाली की मृत्यु। ऐसी बात नहीं है भैया, 9 माह तक मैंने आपकी प्रतीक्षा की उस कृंधा के बाहर। नौ महीने तक मैं उस मायावी के साथ युद्ध करता रहा और तुम कृंधा के बाहर बैठकर किष्किंधा का महाराज बनने का स्वप्न देखते रहे। ऐसी बात नहीं है महाराज, 9 माह तक मैंने आपकी वहां पे प्रतीक्षा की, मुझे लगा भैया कि उस मायावी ने आपका वध कर दिया है, फिर मैंने उस कंदरा का द्वार बंद कर दिया। आ, आ, आ। चलो माना कि सच कह रहे हो तुम, पर कैसे भाई हो तुम, अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की बजाय सिंहासन पर बैठ के सुख भोगने लगे। राजा बनने की इतनी हड़बड़ी क्यों सुग्रीव, क्यों? मैं तो बस प्रजा की सेवा के लिए। प्रजा की सेवा के लिए? कम से कम अपने अंत समय में तो सत्य बोल ले सुग्रीव।
हनुमान जी मेरी रक्षा करें। मित्र, मित्र सुग्रीव, भाई भाई के जीवन का शत्रु कैसे बन सकता है? ये इतना बड़ा अनर्थ कैसे हुआ मित्र? हनुमान जी, आप मुझे ले चलिए। परंतु मित्र। हनुमान जी, आप मुझे यहाँ से शीघ्र ले चलिए, मैं आपको सब समझाता हूँ। आइए। चल चल, किया है सुग्रीव ने मुझसे। हनुमान, अब आप भी सुग्रीव को मुझसे बचा नहीं सकते। ये क्या किया मैंने? क्यों किष्किंधा के सिंहासन का उत्तरदायित्व लिया? क्यों राजा बना मैं? अब भैया बाली मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मित्र सुग्रीव, बाली अभी क्रोध में है, उनके शांत होते ही वे समझ जाएंगे। मैं स्वयं उनसे बात करूंगा। हनुमान जी, आप बाली को नहीं जानते। उसने जो सोच लिया उसके लिए तो वो ही सच है। हनुमान जी, ऐसा कीजिए, आप मुझे शीघ्र ही किसी सुरक्षित स्थान पर ले चलिए। मित्र सुग्रीव, जब तक मैं हूँ आप पूर्णतः सुरक्षित हैं। हनुमान जी, पर हम सदैव यहाँ पे नहीं रुक सकते। कोई तो ऐसा स्थान होगा जहाँ पे बाली ना आ सके। एक स्थान है, ऋषिमुख पर्वत। तो उससे पहले बाली यहाँ पे आ जाए, आप मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वहाँ पे ले चलिए। अवश्य। हनुमान, हम जानते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। आप अपने मित्र सुग्रीव की रक्षा के लिए आए हैं ना? जाके कह दो सुग्रीव से राजा बनने का स्वप्न छोड़ दे, क्योंकि बाली उसका वध कर देगा। सुग्रीव, जितना भागना चाहे भाग लो, परंतु अपनी मृत्यु से नहीं भाग सकते तुम। धन्य है हनुमान जी जिन्होंने सूर्यपुत्र सुग्रीव की रक्षा की। परंतु महादेव, एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि बाली और सुग्रीव में इतना अधिक प्रेम था, अचानक उनके मत में इतनी भयंकर शत्रुता कैसे उत्पन्न हो गई? ऋषिवर, इस शत्रुता के मूल में रावण की राजनीति थी। वो जानता था कि जब तक बाली और सुग्रीव एक हैं, वो किष्किंधा पर राज नहीं कर सकता। इसलिए दोनों भाइयों में शत्रुता कराने के लिए रावण ने एक षड्यंत्र रचा था। प्रणाम ऋषिवर। पुत्र हनुमान, गुरुकुल की शिक्षा के पश्चात आज भेंट हुई है तुमसे। जी गुरुदेव, बस समय ही नहीं मिला। समय कैसे मिलेगा तुम्हें पुत्र? तुम सदैव प्रभु की भक्ति में लीन जो रहते हो। जी गुरुदेव, बस प्रभु श्री राम से मिलन की प्रतीक्षा है। चिंता ना करो पुत्र, बहुत शीघ्र तुम्हारी भेंट होगी तुम्हारे प्रभु से। अच्छा, ये बताओ, यहाँ आने का कोई विशेष कारण? जी गुरुदेव, गुरुदेव, महाराज बाली से सुरक्षा के लिए मित्र सुग्रीव को मैं यहाँ अपने साथ ही ले आया था। मैंने सुना बाली के साथ तुम्हारी शत्रुता के विषय में, किंतु चिंता मत कीजिए, हमारे श्राप के कारण बाली इस पर्वत पर पक भी नहीं रख सकता। तुम जब तक चाहो यहां रह सकते हो। ऋषिवर, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी, रामन जी, मुझे प्रसन्नता है कि मेरा संदेश पाते ही आप यहां चले आए। रामन जी, मुझे महाराज बाली से बात करनी होगी, किंतु तब तक मित्र सुग्रीव आपकी सुरक्षा में रहेंगे। हनुमान जी, ये मेरा सौभाग्य है कि इस उत्तम कार्य हेतु आपने
मेरा सिमरन किया। मित्र सुग्रीव, अब आप यहां पूर्णतः सुरक्षित हैं, मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम ऋषिवर। बहन रोमा, महाराज बाली की ओर से मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि तुम्हारे पति और मेरे देवर सुग्रीव का कोई अहित नहीं होगा। पहले हनुमान और अब अपनी स्त्री के आंसू के पीछे छुपना चाहता है वो सुग्रीव। जय श्री राम। महाराज बाली, आपको देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। हनुमान, हम जानते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। आप अपने मित्र सुग्रीव की रक्षा के लिए आए हैं ना, परंतु इस संसार की कोई भी शक्ति उस सुग्रीव को हमसे बचा नहीं सकती। महाराज बाली, एक भूल तो भगवान भी क्षमा कर देते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि मित्र सुग्रीव ने कुछ भूल की है, आप अपने छोटे भाई की भूल तो क्षमा कर ही सकते हैं। हनुमान, हनुमान, बाली अपने शत्रु को क्षमा अवश्य कर सकता है, परंतु अपने ही बड़े भाई के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले उस सुग्रीव को कदा भी नहीं। किंतु बाली, एकता में ही शक्ति होती है, और यदि तुमने अपने ही भाई से शत्रुता कर ली तो इसका लाभ तो असुरों को ही होने वाला। हनुमान, असुरों का भय बाली को मत दिखाओ, क्योंकि जो भी मेरे सम्मुख आएगा उसकी शक्ति स्वयं ही आदि हो जाएगी। मुझे ज्ञात है, आप तो किसी की भी आदि शक्ति को ग्रहण कर सकते हैं, किंतु स्मरण रहे बाली, आपका यह अहंकार आपकी पूरी शक्ति को नष्ट कर सकता है। आप मेरी नहीं अपने मित्र सुग्रीव की चिंता कीजिए, और जाके कहिए उसे यदि उसमें साहस है तो मेरा सामना करे। महाराज बाली, मैं तो केवल वानर साम्राज्य की रक्षा के लिए आपके पास आया था, परंतु अब लगता है कि आप वानर साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करने के योग्य ही नहीं रहे। तो और किसमें इतनी योग्यता और शक्ति है? अपने मृत्यु के भय से ऋषिमुख पर्वत पे छुपने वाले उस सुग्रीव में। बाली, राजा की केवल एक ही योग्यता होती है, धर्म पूर्वक शासन करना। किंतु मैं आपको वचन देता हूँ, यदि आवश्यकता पड़ी तो मेरे मित्र सुग्रीव उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। आज्ञा दीजिए मुझे। जय श्री राम। हनुमान, जाके कह दो उस सुग्रीव से राजा बनने का स्वप्न छोड़ दे, क्योंकि बाली उसका वध कर देगा। नहीं महाराज, महाराज, मैं अपने सुहाग की आपसे भिक्षा मांगती हूँ, क्षमा कर दीजिए मेरे पति को। हम ये राज्य छोड़ देंगे, यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे महाराज। इतनी सुंदर स्त्री भला मेरे राज्य से दूर चली जाए, इससे अधिक दुख की बात और क्या हो सकती है? रोमा, तुम्हें अपने सुहाग की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। सुग्रीव नहीं तो क्या, मैं करूंगा आपसे विवाह। ऋषिवर, बाली ने अपनी मृत्यु को उसी क्षण आमंत्रण दे दिया था जब उसने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने का निर्णय किया था। रावण असुर था और बाली वानर, परंतु दोनों की दुर्गति और प्रकृति एक ही होने वाली थी। मित्र सुग्रीव, आप सही कह रहे थे,
महाराज बाली अहंकार में अंधे हो चुके हैं, किंतु आप चिंता ना करें, ऐसे अहंकारियों का अंत समीप ही होता है। हनुमान जी, अब मुझे अपनी नहीं पत्नी रोमा की चिंता है, क्योंकि बाली अपने क्रोध में सब कुछ भूल जाता है। रोमा, लता और स्त्री को उसी का हाथ थामना चाहिए जिसके वो आश्रय दे सके। आपका साहस कैसे हुआ मुझसे ऐसी बात करने का? आप मेरे भ्राता समान है। तुम्हारे पति ने मुझसे मेरा सिंहासन छीनना चाहा था, अब मैं उससे उसकी पत्नी छीनूंगा। महाराज, मैं आपको एक स्त्री पर ये अत्याचार नहीं करने दूंगी, कदापि नहीं। चलो रोमा। महारानी तारा, वीर भाग्य वसुंधरा, अब यह सिंहासन भी बाली का होगा और सुग्रीव की पत्नी भी। मित्र, देवी रोमा महारानी तारा की सुरक्षा में है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो उनका कोई अहित नहीं होने देंगी। हनुमान जी, अब बाली के अधर्म के विरुद्ध बस आप ही हमारे रक्षक हैं। मित्र सुग्रीव, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपके साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। हनुमान, बस ये समझ लो कि ये धर्म कार्य जो आने वाले समय में प्रभु श्री राम की यात्रा के आधार बनेंगे और उन्हें पूर्ण करते हुए ही तुम्हारा श्री राम से मिलन होगा। कहीं गुरुदेव इसी ओर तो संकेत नहीं कर रहे थे, तो क्या वो क्षण आ गया है? क्या मित्र सुग्रीव के धर्म की रक्षा करते हुए ही मेरा प्रभु श्री राम से मिलन होने वाला है? ऋषि मतंग ने बाली को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसके कारण वो ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जा सकता? ये उस समय की बात है जब रावण के भेजे हुए असुर चुडुम्बी और बाली के मध्य युद्ध हुआ था। जिसने भी ये अधर्म किया है, मैं उसे श्राप देता हूं कि यदि वो ऋषिमुख पर्वत के समीप भी आया तो उसका मस्तक खंड खंड हो जाएगा। कि ऋषि मतंग ने बाली को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसके कारण वो ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जा सकता? ये उस समय की बात है जब रावण के भेजे हुए असुर चुडुम्बी और बाली के मध्य युद्ध हुआ था। जिसने भी ये अधर्म किया है, मैं उसे श्राप देता हूं कि यदि वो ऋषिमुख पर्वत के समीप भी आया तो उसका मस्तक खंड खंड हो जाएगा।